आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी चीज की जो हर स्कूल में हर टीचर करता है जब उसे पैसों की जरूरत होती है, जब उसे की दाल रोटी घर में चल नहीं रही होती, जब उसे भूख नंगी का पता चल रहा होता है कि अब वो भूखा मर रहा है, तो वो करता क्या, वो लगाता तुम पे पेनल्टी, तुम स्कूल में एब्सेंट थे पेनल्टी, तुम कल स्कूल नहीं आए पेनल्टी, तुमने होमवर्क नहीं किया पेनल्टी, तुम्हारी डायरी नहीं है पेनल्टी, तुम भूख नहीं लाए पेनल्टी, तुम्हारे सर पे बाल अच्छे से नहीं आ रहे पेनल्टी, तुम्हारे बाल छोटे नहीं है पेनल्टी, तुम्हारे बाल लंबे है पेनल्टी, तुम्हारी आईब्रो छोटी है पेनल्टी, तुमने अलग का रंग का कच्चा पहना हुआ पेनल्टी, इतने सालों के तुमने एक भी सेटिंग नहीं पटाई पेनल्टी, तुम्हारे दोस्त की सेटिंग नहीं है पेनल्टी। और गुरु जी सभी चीजों को नजरअंदाज कर दो, लेकिन ये जो लास्ट वाला है ना, तुम्हारे दोस्त की सेटिंग नहीं है पेनल्टी, इस चीज की पेनल्टी ले लो, लेकिन मेरे दोस्त की सेटिंग नहीं हो सकती, चिलवा जैसी सकल है उसकी, इस वजह से मेरी भी सेटिंग ना है, इस बात की पेनल्टी मैं भरने के लिए तैयार हूं, खा लिया इस पेनल्टी में। और हाँ, कॉपी इनकम्प्लीट की भी पेनल्टी होती है भाई साहब। जिन बच्चों के स्कूल में 80-90% मार्क्स आते थे, आज उनका मुझे फोन आता है और कहते भाई ये वाला ऐप डाउनलोड कर ले, 50 रुपए तुझे मिल जाएंगे, 50 रुपए मुझे मिल जाएंगे। इतनी गरीबी आ रही है इनको। और एक खजेले मास्टर ने बोला था ये लोग बिजनेस करेंगे। क्या बिजनेस चल रहा भाई साहब, आंसू आ जाते हैं ऐसा बिजनेस देख के, करोड़ों में छाप रहे हैं लोग करोड़ों में। भाई साहब मेरे स्कूल का वो बंदा जिसके 10th में 90% मार्क्स थे, आज बल्लमगढ़ के चौराहे पर मोमोज की दुकान लगाता है। और खजेले टीचर ने बोला था ये बिजनेसमैन बनेगा बड़ा होके। क्या बिजनेस कर रहा बंदा, 500 रुपए कमाता दिन के, क्या ग्राफ जा रहा है उसका ऊपर। तो भाई साहब बचपन की एक कहावत जरा याद करना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। तो भाई साहब बैकबेंचर बनो, मोमोज ना बेचने पड़ेंगे तुम्हें।